हाय, वेलकम टू आलियास किचन। आज मैं फली चटनी बनाने की रेसिपी दिखा रहे हैं। यह है मूंगफली भुना हुआ, और ये बगर भिंजन, ये जीरा, तेल, हरा लाल मिर्च, और ये नमक स्वाद अनुसार, करी पत्ता, सूखे मिर्चियाँ, लहसुन, अदरक। भुनने के लिए मैं कढ़ाई रख के इसमें डाल रही हूँ मूँगफली। मूंगफली भून के निकाल लिए ना, अब इसमें थोड़ा सा तेल डालते हैं, अच्छी मिर्ची, अदरक, लहसुन। इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसके बाद हम थोड़ा इसमें थोड़ा तेल डालते हैं बगार के लिए। ये है राया और रंगदार चने के दाल बगार के लिए, कड़ी पत्ती, ये दो है सूखी मिर्ची, कई भी छोटा सा। अब ये मूंगफली हमने भून के रख लिया है, और ये है दो लहसुन, अदरक, कच्ची मिर्ची, उसको हम छान पेस्ट कर लेते हैं, पूरे मिला के मिक्सी मार लेते हैं। वो हम मिक्सी में डाल लिए हैं, ये और ठंडा भी हो गया, और इसको हम मार लेते हैं, मिक्सी में जा डाल के बना लेते हैं। फाइनली हम मिक्सी मार लिया है इसे। इसका स्ट्रक्चर जो ऐसा होना चाहिए, एकदम गाढ़ा भी नहीं, एकदम पतला भी नहीं। जो हमने बाजार रखे हैं इसके ना, कड़वी पाक, सूखी मिर्ची और जीरा राया हो गई, और अब हम इसमें डाल लेते हैं ये। आज का रेसिपी है ये मूंगफली का चटनी। आप भी बनाइए और देखिए कैसा बना है, और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।